नमस्कार, मैं हूं अंकुर। आप देख रहे हैं सत्य। एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। मोदी सरकार 2019 के चुनाव से पहले आरबीआई के जमा पैसे के पीछे पड़ी थी। इस पर एक के बाद एक धमाके होते जा रहे हैं। पहला धमाका 2018 में तब हुआ था जब उर्जित पटेल ने इस्तीफा दिया था। फिर डेप्यूटी गवर्नर रहे विरल आचार्य ने धमाका किया और अब पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने धमाका किया है। गर्ग ने कहा है कि 14 सितंबर 2018 को बुलाई गई बैठक में प्रधानमंत्री मोदी ने तत्कालीन आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल पर अपना आपा खो दिया था और उनकी तुलना पैसे के ढेर पर बैठने वाले सांप से करती थी। पूर्व वित्त सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने यह दावा अपनी पुस्तक में वी ऑल्सो मेक पॉलिसी में किया है। गर्ग ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि पटेल और तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली और प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्रा सहित अन्य सरकारी अधिकारियों के साथ लगभग 2 घंटे तक प्रेजेंटेशन और चर्चाओं को सुनने के बाद प्रधानमंत्री को कोई समाधान नहीं निकलता दिखा। गर्ग लिखते हैं कि उसी दौरान पीएम ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने लिखा है कि उन्होंने पहली बार प्रधानमंत्री मोदी को इतने गुस्से में देखा था। बात करें विरल आचार्य की तो विरल आचार्य वही हैं जिन्होंने हाल ही में उर्जित पटेल के इस्तीफे के पहले के घटनाक्रमों का खुलासा कर धमाका किया था। इसी महीने उन्होंने दावा किया था कि मोदी सरकार ने 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले चुनाव पूर्व खर्च के लिए 2018 में 2-3 लाख करोड़ रुपए देने के लिए कहा था। उन्होंने तो ये भी दावा किया कि पूर्व की सरकारों के दौरान भी जमा रुपए को मोदी सरकार ने मांगा था। इन वजहों से सरकार और आरबीआई में टकराव की स्थिति बन गई थी। आरबीआई गवर्नर का कार्यकाल सिर्फ 3 साल का होता है और उर्जित पटेल ने कार्यकाल पूरा करने के 9 महीने पहले ही इस्तीफा दे दिया था। विरल आचार्य ने तय समय से 6 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। दुनिया की जानी मानी रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर सर्विस ने भारत के आधार सिस्टम की सुरक्षा और गोपनीयता की कमजोरियों पर चिंता जताई है। भारत में आधार एक केंद्रीय पहचान प्रणाली है। आधार सिस्टम के तहत अक्सर सर्विसेज का पूरा लाभ नहीं मिलता है। कई बार सर्विसेज अस्वीकार हो जाती हैं। भारत के गर्म मौसम में इसका बायोमेट्रिक सिस्टम विश्वसनीय ढंग से काम नहीं कर पाता है। द हिंदू अखबार में प्रकाशित रिपोर्ट में इस पर विस्तार से जानकारी दी गई है। भारत में आधार सिस्टम के फिंगरप्रिंट या आयरिस स्कैन और OTP जैसे विकल्पों से सर्विसेज देने वाली एजेंसियां किसी भी शख्स का सत्यापन कर लेती हैं। इनमें सरकारी और प्राइवेट दोनों ही एजेंसियां शामिल हैं। सत्यापन के बाद ही वो शख्स उस सेवा का लाभ उठा सकता है। लेकिन मूडीज का कहना है कि सत्यापन के दौरान तमाम तरह की बाधाएं आती हैं जिसमें ऑथराइजेशन और बायोमेट्रिक्स की विश्वसनीयता चिंता पैदा करने वाली है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक मूडीज ने इस बात पर जोर दिया है कि आधार जैसी आईडी प्रणाली खास संस्थाओं के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में डेटा चोरी का जोखिम बड़ा है क्योंकि तमाम एजेंसियों को आधार का डेटा एक्सेस मिल जाता है। खास जानकारी के बजाय उस शख्स की सारी जानकारी उन खास संस्थाओं तक पहुंच जाती है जबकि उसे सिर्फ कोई एक जानकारी चाहिए थी। यूपी में पहुंचे आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने लव जिहाद, धर्मांतरण और लैंड जिहाद का मुद्दा छेड़ दिया। उन्होंने कहा कि ऐसे मामले बढ़ रहे हैं और इस पर उन्होंने चिंता भी जताई। संघ प्रमुख ने अपने लोगों से कहा कि इसको रोकने के लिए तेजी से और आक्रामक ढंग से अभियान चलाने की जरूरत है। लखनऊ में अवध क्षेत्र की एक संगठनात्मक बैठक की अध्यक्षता करते हुए भागवत ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में धर्मांतरण का खतरा अधिक गहरा लगता है जो गंभीर चिंता का कारण है। QI की रिपोर्ट के अनुसार उन्होंने RSS कार्यकर्ताओं से कहा, हमें विशेष रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है जहां राष्ट्र विरोधी और असामाजिक तत्व सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए कहा कि कांग्रेस इस कदर बर्बाद हो चुकी है कि उसे अब कांग्रेस के नेता नहीं चला रहे। कांग्रेस कंपनी बन गई है, नारों से लेकर नीतियों तक हर चीज आउटसोर्स कर रही है। ठेका भी अर्बन नक्सलियों के हाथों में है। प्रधानमंत्री मोदी सोमवार को भोपाल में मध्य प्रदेश भाजपा कार्यकर्ताओं के महाकुंभ को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के ठीक पहले जमुई मैदान पर आयोजित इस महाकुंभ में मोदी का समूचा भाषण कांग्रेस की आलोचना पर सिमटा रहा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनावों में भाजपा की हालत खस्ता होने संबंधी आकलनों की झलक उनके भाषण में साफ दिखाई दी। मोदी ने कहा, कांग्रेस भरमाने का प्रयास कर रही है, आगे भी करेगी। यदि कांग्रेस सत्ता में आ गई तो मध्य प्रदेश 20वीं शताब्दी में लौट जाएगा। हर तरफ फिर बदहाली छा जाएगी। विकसित मध्य प्रदेश राज्य पुनः बीमारू राज्य हो जाएगा। प्रधानमंत्री का बीते 6 महीनों में मध्य प्रदेश का ये 7वां दौरा था। संसद में हाल ही में पारित महिला आरक्षण बिल को लेकर मोदी ने अपने हाथों जमकर स्वयं की पीठ थपथपाई। मोदी ने कहा कि बिल पास करके देश ने नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और उसके घमंडिया गठबंधन वाले सहयोगी दल इस महत्वपूर्ण बिल पर 30 सालों तक चुप्पी साधे बैठे रहे, मजबूरी में बिल का समर्थन किया।
हमारे कार्यकाल में बिल पास हुआ तो ये लोग महिलाओं और देश को भ्रमित करने के कार्य में जुट गए हैं, तमाम सवाल उठा रहे हैं। मोदी ने ताल ठोकते हुए कहा, मोदी या भाजपा गारंटी देती है तो घर घर पहुंचती है, जमीन तक पहुंचती है। मोदी यानी हर गारंटी पूरे होने की गारंटी। इस बिल को लेकर फायर ब्रांड नेता और मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती सतत प्रधानमंत्री से अनुरोध कर रही हैं कि 33% में ओबीसी महिलाओं के लिए भी आरक्षण दिया जाए। उमा भारती ने बीते मंगलवार को पीएम को खत लिखा था और आज उनके भोपाल आने के ठीक पहले ट्वीट करते हुए स्मरण किया, मोदी इस मसले पर मौन रहे। अपने भाषण में बिल का उन्होंने लंबा जिक्र किया मगर उमा भारती की मांग पर कुछ नहीं कहा। राहुल गांधी ने सोमवार 25 सितंबर को रिमोट कंट्रोल के जरिए चुनावी राज्य छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना की शुरुआत की। इस मौके पर रिमोट कंट्रोल दिखाते हुए राहुल ने कहा कि पीएम मोदी के पास भी रिमोट कंट्रोल है लेकिन वो इसे गुप्त रूप से दबाते हैं। हम रिमोट कंट्रोल का बटन खुले में दबाते हैं लेकिन भाजपा इसे गुप्त रूप से दबाती है और अडानी जी को मुंबई हवाई अड्डा मिल जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र निजी हो जाता है, राहुल गांधी ने कहा। और जब मैंने लोकसभा में अडानी पर पीएम मोदी से सवाल किया तो मुझे जवाब मिला, मेरी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी गई। राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे है, इससे तय होगा कि वहां कितने दलित ओबीसी एससी एसटी हैं, लेकिन सरकार जाति जनगणना से भाग रही है, कांग्रेस सरकार जाति जनगणना कराएगी, ये मेरा वादा है। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी भारत सरकार में सिर्फ 3 ओबीसी अफसर हैं जबकि भाजपा ओबीसी पर बड़ी बड़ी बातें करती है, भाजपा ओबीसी महिलाओं को महिला आरक्षण विधेयक में हिस्सा नहीं देना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा, तभी कांग्रेस शासित राज्यों में जनता पहली प्राथमिकता है, हमारी सरकारें अडानी जी द्वारा नहीं चलाई जाती हैं और हमारे सभी रिमोट कंट्रोल जनता को देखने के लिए हैं। जेडीएस को भाजपा के साथ गठबंधन करना भारी पड़ गया है। पहले तो रविवार को ही जेडीएस के कर्नाटक उपाध्यक्ष सैयद सैफुल्ला ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। अब जेडीएस के बाकी अल्पसंख्यक नेताओं ने पार्टी के गठबंधन के फैसले और अपने आगे के भविष्य पर चर्चा करने के लिए रविवार को बेंगलुरु में एक बैठक की। इस बैठक में शामिल नेताओं ने पार्टी नेतृत्व के एनडीए में शामिल होने के फैसले पर असंतोष जताया। बैठक पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री एमन नबी की अध्यक्षता में हुई। उन्होंने कहा कि हमने गठबंधन पर अपनी नाखुशी व्यक्त करने के लिए बैठक की है। नबी ने कहा, हम फैसले से आहत हैं। उन्होंने द इंडियन एक्सप्रेस से कहा कि केवल अल्पसंख्यक नेता ही नहीं बल्कि धर्मनिरपेक्ष सिद्धांतों का पालन करने वाले सभी नेता इस फैसले से नाखुश हैं। भाजपा एक धर्मनिरपेक्ष पार्टी नहीं है जिसके कारण कई नेता असमंजस में हैं। बता दें, जेडीएस के शिवमोगा जिला अध्यक्ष एम श्रीकांत ने भी शनिवार को इस्तीफा दे दिया। गुरमिटकल से विधायक शारंगगौड़ा कुंदांकर और नेमिराज नायक ने भी गठबंधन पर असंतोष व्यक्त किया है। सूत्रों ने कहा है कि जेडीएस प्रमुख एचडी देवेगौड़ा द्वारा पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं को फैसले के बारे में समझाने के प्रयासों का इच्छा के अनुरूप प्रवाह नहीं पड़ा है। बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद जेडीएस नेताओं की बैठक की अध्यक्षता जेडीएस के कार्यकारी अध्यक्ष एनएम नबी ने की। इस वक्त पार्टी प्रवक्ता नूर अहमद, मोहिंद अल्ताफ और नसीर उस्ताद समेत बाकी नेता भी मौजूद रहे। बैठक में नेताओं ने यह तय किया कि पार्टी में बने रहने या इस्तीफा देने पर कोई फैसला लेने से पहले वो सभी पार्टी के अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं से राय लेंगे। इसके लिए कर्नाटक के हर जिलों का दौरा किया जाएगा और वहाँ अल्पसंख्यक कार्यकर्ताओं से इस पर बात करी जाएगी। इसके बाद कुछ समय बाद एक और बैठक की जाएगी। इसके अलावा कार्यकर्ताओं की राय जानने के बाद ही ये सभी नेता पार्टी छोड़ने या इस्तीफा देने पर फैसला करेंगे। दानिश अली ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उनकी लिंचिंग कराने के लिए नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। संसद में रमेश विधूड़ी के अपशब्द कहने के मामले में निशिकांत दुबे के खत आने के बाद दानिश ने यह आरोप लगाया है। निशिकांत दुबे ने विधूड़ी की टिप्पणियों की निंदा करते हुए आरोप लगाया है कि दानिश ने प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ जातिवादी गाली का इस्तेमाल किया था और उन्होंने विधूड़ी को उकसाया था। दुबे ने स्पीकर को खत लिखकर दानिश के खिलाफ जांच करने की मांग की है। इसी आरोप का जवाब देते हुए दानिश अली ने कहा है कि सदन में उनकी मौखिक लिंचिंग की गई और अब सदन के बाहर ये सब हो रहा है। उन्होंने रविवार को पीटीआई से कहा कि मेरी मौखिक हत्या पहले ही हो चुकी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे का पत्र सदन के बाहर मेरी हत्या के लिए एक नैरेटिव गढ़ने के लिए है। एशियन गेम्स में भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने सोमवार को इतिहास रच दिया। इसने पहली बार गोल्ड मेडल जीता है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में श्रीलंका को 19 रन से हराया। भारत अब तक 11 पदक जीत चुका है। रविवार को इसने 5 पदक जीते थे। भारत ने सोमवार को 6 और पदक जोड़े।
इस एशियन गेम्स में अब तक कुल मिलाकर 2 स्वर्ण पदक भारत ने जीते हैं, पहला निशानेबाजी में और दूसरा क्रिकेट में। अब तक की सुर्खियों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।